अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, आज हम बनाएंगे बिरयानी, अपनी वाली बिरयानी। चलिए देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। आधा किलो गोश्त है, सात से आठ मिर्ची है, तीन कटे हुए टमाटर है, दो मीडियम प्याज कटे हुए बारीक कटे हुए, एक कप पुदीना है, एक कप धनिया पत्ता है, दो नींबू का रस है, एक कप भर के दही है, एक बड़ा चम्मच गरम मसाला है, नमक है, अदरक लहसुन पेस्ट है, आधा किलो चावल ले बासमती चावल भिगो के रखा है, शाह जीरा है, सात से आठ लौंग है, दस काली मिर्च है, पाँच से छः दालचीनी है, चार इलायची है, छोटा सा जावित्री है, चार तेज़पत्ते लिए हैं, तीन बिरयानी के फूल लिए हैं, धनिया पाउडर, हल्दी है, इतने सब चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पहले गोश्त में 2 टीस्पून नमक डाल देंगे, थोड़ी सी हल्दी डाल लेंगे, 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल लेंगे। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेके आधा घंटा मैरिनेशन के लिए छोड़ देंगे। बाहर भी रख सकते हैं और फ्रिज में भी रख सकते हैं। आधे घंटे के बाद इसमें कुकर में डाल लेंगे गोश्त को, थोड़ा सा पानी डाल के इसको गलने रख देंगे, 3 विजिल तक इसको पका लेंगे। चलिए बिरयानी का मसाला रेडी कर लेते हैं। टमाटर कटे हुए एक जार में डाल लेंगे, हरी मिर्च को भी डाल लेंगे 7 से 8, आप चाहे तो ज़्यादा कम कर सकते हैं, इसको पीस लेंगे। एक पैन में 4 से 5 टेबलस्पून भर के तेल डालना है, 4 टेबलस्पून घी डालना है, घी से अच्छा सा टेस्ट आता है, लौंग, चकला, बिरयानी का फूल, तेज पत्ते 2, शाह जीरा, जावित्री और इलायची, इनको डाल के 1 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। थोड़े बचे हुए मसालों को हम चावल में पका लेंगे, चावल पकते वक्त उसमें डालेंगे। अब प्याज, 2 मीडियम कटे हुए प्याज को डाल देंगे, बारीक कटे हुए प्याज को डाल देंगे, इसको सुनहरी रंग होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। कुकर के 3 विजल हो गए हैं, इसको ऑफ कर देंगे। चलिए प्याज भी सुनहरी कलर हो गए, इसमें 2 टेबलस्पून जितना अदरक लहसुन पेस्ट डालेंगे, इसको भी कच्ची स्मेल जाने तक फ्राई कर लेंगे। स्मेल जाने के बाद टमाटर और मिर्ची का पेस्ट डाल देंगे, इसको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे, कच्ची स्मेल जाने तक इसको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे और तेल घी ऊपर आ जाना चाहिए। देखिए हमारा मसाला रेडी हो गया है, इसमें गोश्त डाल लेंगे, गोश्त डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे, धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, गरम मसाला 1 टेबलस्पून डाल के मिक्स कर लेंगे, गोश्त को अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें पुदीना, धनिया आधा आधा डाल देंगे, बाकी बचा हुआ चावल और गार्निश के वक्त काम आएगा। इसको भी मिक्स कर लेके गोश्त को अच्छे से भून लेंगे। एक कप दही डाल लेंगे, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए कितना अच्छे से पक रहा है, इसको ढक के थोड़ी देर मीडियम आंच पे छोड़ दें। दूसरे पैन में पानी उबलने रख लेंगे, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल लेंगे, क्योंकि चावल अच्छे से खुले खुले होंगे। बाकी बचे हुए मसाले इसमें डाल देंगे, थोड़ा पुदीना भी डालेंगे बाद में।
नमक डालेंगे 2 टेबलस्पून, पुदीना, हरा धनिया थोड़ा डाल के पानी को उबलने रख देंगे। जब पानी उबलने लगेगा तो हम बासमती चावल डाल देंगे। इसको 90% ही पका लेना है, ज़्यादा नरम नहीं करना है क्योंकि इसको दम पे छोड़ना है हमें। देखिए चावल अच्छे से पक रहे हैं, ऑलमोस्ट 90% पक गए हैं। अब इसको ड्रेन कर लेते हैं। चावल को ड्रेन कर लिया है और हमारा अखनी भी रेडी हो गया है। देखो तेल अच्छे से ऊपर आ गया है, तेल और घी। इसको हम चावल में थोड़ा थोड़ा डाल के मिक्स करते जाएंगे। आप चाहे तो लेयर्स भी कर सकते हैं, मैं लेयर्स नहीं करती हूँ, डायरेक्ट मिक्स कर देती हूँ। डायरेक्ट मिक्स करने से क्या है, चावल और गोश्त मसाले सब अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। नहीं तो एक जगह वाइट वाइट चावल रहते हैं, एक जगह मसाला मसाला रहता है, इसलिए सब मिक्स कर देंगे तो बहुत ही टेस्टी से बिरयानी तैयार हो जाती है। लीजिए मैं सब मिक्स कर लिया है। जितना मसाला लगता है उतना ही डालेंगे, बाकी बचा हुआ छोड़ देंगे। ये लेमन कलर है, मैं पानी में भिगो के चावल पे डाल रही हूँ। धनिया पुदीने से, धनिया पत्ता और पुदीना डाल देंगे, और घी भी 2 टेबलस्पून के जितना घी भी डाल देंगे। इसको दो लेमन का जूस जो निकाल के रखा था वो भी डाल देंगे। चलिए घी भी डाल के इसको दम छोड़ देंगे। सिम आंच पे इसको दम छोड़ देंगे। देखिए बिरयानी तैयार हो गई है, चावल अच्छे से दम हो गए और खुले खुले चावल बन गए हैं। चलिए इसको सर्व कर लेते हैं। देखिए बहुत ही टेस्टी सा बिरयानी तैयार होके हो गया है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।